ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। सोमवार यानी 19 सितंबर को महारानी का वेस्टमिंस्टर एम्बे में अंतिम संस्कार हो रहा है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो चुकी हैं। रॉयल गार्ड्स की परेड के साथ उनका पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंच गया है। यहां भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की तमाम रस्में डीन ऑफ वेस्टमिंस्टर डेविड होयले पूरी कर रहे हैं। उनके साथ कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी भी मौजूद हैं। शाही रीति रिवाजों के मुताबिक क्वीन के निधन पर शोक जताया गया, उनके लिए प्रार्थनाएं पढ़ी गई। प्राइम मिनिस्टर लिस्टस ने छोटा सा भाषण दिया। इसके बाद शाही परिवार की तरफ से एक प्रस्ताव पढ़ा गया, फिर 2 मिनट का मौन रखा गया। क्वीन के पार्थिव शरीर को एबे लाते समय ब्रिटेन के नए राजा यानी किंग चार्ल्स चतुर्थ उनके ताबूत के पीछे चल रहे थे। इस दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स और किंग चार्ल्स के बेटे विलियम भी साथ थे। शाही परंपराओं के मुताबिक क्वीन का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद किया जा रहा है। महारानी के ताबूत को गन कैरिज में वेस्टमिंस्टर एबे लाया गया। इसे 142 रॉयल नेवी सेलर्स ने खींचा। इसी कैरिज का इस्तेमाल एडवर्ड 7, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम और सर विंस्टन चर्चिल के अंतिम संस्कार के दौरान भी किया गया था।